हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप घर पे सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैंने इसे बनाया है फेस्टिव स्पेशल, बिकॉज अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा अपने आप को भी पैम्पर कर लिया जाए। तो ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे हिट कर देना, ताकि मेरी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर हिट कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने जिसमें स्टेप्स लिए हैं वो बहुत ही बिगनर्स फ्रेंडली है। अगर आपने कभी भी फेशियल नहीं किया है तो आप इसे ईजिली घर पर कर पाएंगे, और उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फेशियल में हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग में मैंने यहाँ पे लिया है कच्चा दूध। तो कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जो कि हमारे स्किन वाइटनिंग में बहुत ही हेल्प करता है। आपको एक कॉटन में कॉटन की हेल्प से कच्चे दूध को पूरे फेस पे लगा लेना है, उसको सुखा देना है, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आप कॉटन में मतलब एक बाउल में पानी लें और कॉटन डिप करके उसे वाइप कर लें। तो ये हमारा क्लिंजिंग स्टेप यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। बस अच्छे से प्रॉपरली आप उसको मतलब वाइप कर लीजिए, पोंछ लीजिए, जितना भी आपका फेस पे दूध लगा हुआ है वो रिमूव कर दें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रबिंग का। यहाँ मैंने लिया है स्क्रबिंग में कॉफ़ी, 1/2 टेबल स्पून कॉफ़ी ली है, और अराउंड 1/2 टेबल स्पून ही मैंने एलोवेरा जेल लिया है। देन मैंने ऐड किया है ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल का मैंने अमाउंट थोड़ा लिया है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली जो कॉम्बिनेशन है। देन मैंने एक्सफोलिएट करने के लिए यहाँ पे ऐड किया है शुगर को, और ये बन गया हमारा स्क्रब बहुत ही अच्छा। कॉफ़ी होती है एंटीऑक्सीडेंट और हमारी फाइन लाइन्स रिमूव करती है, डार्क स्पॉट्स रिमूव करती है, डार्क सर्कल्स रिमूव करती है। शुगर हमारा बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है, डेड स्किन को रिमूव करता है, और एलोवेरा झुर्रियाँ हटाता है, ग्लो लाता है फेस पे, और बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइज़र है। ऑलिव ऑयल एक्टिव एंटीबैक्टीरियल होता है, ये एक्ने रिड्यूस करता है, रिंकल रिड्यूस करता है, ब्लेमिशिंग रिड्यूस करता है, फाइन लाइंस जो फेस पे होती है वो रिड्यूस करता है, और अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। तो हमें कम से कम 5 मिनट तक स्क्रब करना चाहिए, और उसके बाद हमारे फेस को वॉश कर लेना चाहिए। थर्ड हमारा स्टेप है मसाज का। मसाज में मैंने लिया है विटामिन ई के कैप्सूल, जो आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएंगे आसानी से, या फिर आप किसी मेडिकल शॉप से भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने पूरा एक कैप्सूल ऐड किया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के मैं आपको फ़ायदे पहले ही बता चुकी हूँ। झुर्रियाँ हटाता है, ग्लो लाता है, मॉइस्चराइज़ करता है, और एंटी माइक्रोबियल है, मतलब कोई भी माइक्रोब्स जो आपके फेस को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे वो बचाता है। और विटामिन ई के फ़ायदे बहुत अच्छे होते हैं, झुर्रियाँ को कम करता है, दाग धब्बे हटाता है, स्किन टोन अगर आपकी अनइवन है, कहीं से ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया है तो उसे रिड्यूस करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, और इन दोनों को हम जब मिक्स करके अपने फेस पर लगाएंगे तो ये डार्क सर्कल्स को भी मतलब बहुत हद तक कम कर देते हैं। हमारे जो अंडर आई जो एरिया होता है उसमें जो छोटी छोटी फाइन लाइंस आ जाती है उन पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इससे आपको इस तरीके से अपलिफ्ट करते हुए अपर डायरेक्शन में अपने चीक्स को मसाज करनी है, अपने लिप्स एरिया को मसाज करना है जहाँ पिगमेंटेशन आपका बहुत ज़्यादा होता है, फॉरहेड एरिया पे भी आपको बहुत अच्छे से मसाज करनी है। राउंड मसाज कीजिए चीक्स पे, पूरा अच्छे से ये पेनिट्रेट हो जाना चाहिए, मतलब आपकी स्किन के अंदर अच्छे से चला जाना चाहिए। देखिए इस तरीके से ग्लो आ जाएगा। और इसके बाद अब हम करेंगे हमारा फोर्थ स्टेप, जो कि है स्टीमिंग का। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप किसी पतीले में पानी गर्म करके स्टीम ले सकते हैं, या फिर टॉवल को गर्म पानी में डुबो के भी स्टीम ले सकते हैं। स्टीमिंग कम से कम हमें 5 से 7 मिनट लेनी है। मैंने एक स्किन केयर रूटीन का वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने स्टीमिंग बताई हुई है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। देखिए कुछ इस तरीके का आपके फेस पे ग्लो आएगा। आपको पानी में कॉटन बॉल को डिप करना है और स्टीमिंग के बाद पूरे फेस को वाइप कर लेना है। अब हम आते हैं हमारे 5th स्टेप पे, जो कि है फेस पैक। फेस पैक में मैंने पहले लिया है टमाटर और उसे इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, और उसका पल्प हमने निकाल लिया है। फिर मैंने इसमें ऐड किया अराउंड 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। देन मैंने इसमें ऐड किया है अंबा हल्दी। अगर आपके पास अंबा हल्दी नहीं है तो आप घर में जो भी हल्दी यूज़ करते हैं वो ये ले सकते हैं। ये मैंने लिया है अराउंड 1/3 टेबल स्पून अंबा हल्दी ली है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है बेसन, 1 टेबल स्पून मैंने बेसन ऐड किया है, और उसके बाद मैंने ऐड किया है 1/3 टेबल स्पून कॉफ़ी। देन मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून हनी, और उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून कर्ड।
जो हमारे बेसन होता है वो पिंपल और को कम करता है, स्किन टोन को लाइट करता है, एक्सेस ऑयल को और टैन को रिमूव करता है, पोर्स को क्लीन करता है। कर्ड हमारा इंस्टेंट ग्लो ऐड करता है, हल्दी इंस्टेंट ब्राइटनिंग के लिए काम आती है, कॉफ़ी डार्क स्पॉट्स कम करती है, डार्क सर्कल्स को कम करती है, हनी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारे स्किन डैमेज को मतलब हमें स्किन डैमेज से बचाता है। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद फेस पे लगा के 15 मिनट बाद उसे वॉश कर लेना है। हमें इस पूरा सुखाना नहीं है, सुखाने से हमारे फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, तो फेस पैक को कभी ना सुखाएं और 15 मिनट बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी बी सेफ, बाय।